हिमाचल दे विच जिथे भारी मीह ने कहर वरताया होया तां दूजे पासे सरब सांझीवालता अते मानसकी जात सभै एके पहचानबो दे फलसफे नूं अगे तोरदे होए कुछ सिख संस्थावां निरंतर मानवता दी भलाई दे लई अगे आउंदियां रहिंदियां ने, जिन्हां दे विचों गुरद्वारा बड़ू साहिब सरमौर संस्था किसे भी पहचान दी मोहताज नहीं है, जिन्हां दियां निरंतर सेवावां आप मुहारे ही बोल दिया ने। ते नाल ही जड़ियां भी शख्सियतां ने वध चढ़ के हड़ पीड़तां दी मदद दे लई योगदान पाया, उन्हां नूं गुरद्वारा बड़ू साहिब दे प्रधान दे वल्लों जिथे सन्मानित किया गया, उत्थे ही चढ़दी कला टाइम टीवी दे नाल खास गलबात दा राबता कायम करदे होए प्रधान साहिब दे वल्लों संत इकबाल सिंह जी दा ओह आदेश भी सांझा किया गया, जो कि उन्हां ने पहला ही आउण वाले हड़ां बारे कर दिता सी। जद हड़ आए असी मेंटली प्रिपेयर नहीं सी के भी इतनी वड्डी समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं याद है वीर जी का फोन आया कि बहुत ज़्यादा वड्डी समस्या हो गई है कि असी इस विच हिस्सा पाना बहुत जरूरी हो गया, नहीं तो बहुत तबाही हो रही है। तो असी उसी वेले निर्णय ले लिया कि भई जिथे जिथे साड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, हालांकि साडे कोल डेडलाइन सी CBSE ते एफिलिएशन मीट करन वास्ते डेडलाइन सी, असी वो अपना डेडलाइन छोड़ दिती हैगी। जो महाराज का हुक्म है एफिलिएशन का होंदा रहेगा, पर ये जो प्रेसिंग प्रॉब्लम सी फ्लड जी सी, सारे मुलाजिम अपने कंस्ट्रक्शन वाले, चाहे वह मेसन है, चाहे प्लंबर है, इलैक्ट्रीशियन है, होर सारे सेवादार जिहड़े साडे सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट स्टाफ है अकैडमिया का, सारे नाल जुट गए ताकि असी ये हल कर पाईए। पहला भी साड़ा तजर्बा सी हड़ां दा और अर्थक्वेक दा, 2005 विच कश्मीर च अर्थक्वेक आया सी, उस वेले भी महापुरशां ने ये ऐलान कर दिता बाबा इकबाल सिंह जी ने कि भाई असी जाके सहायता करनी है लोगों की। सो मुझे याद है उदों भी वीर जी अपनी टीम लै के उत्थे पहुँच गए सीगे, बिल्कुल जी लाइन ऑफ कंट्रोल है उत्थे जाके इन्हां डेरा ला लिया सीगा। तो असी कोई 1.5-2 हज़ार असी उदों मकान बनाए लोगों के, 3 मस्जिदां भी बनाइया। सो जो सांझी वालता का संदेश है कलगियां वाले का, वो असी सामने रखते हुए हर इतने तक कि असी फौजी जड़े बिल्डिंगा गिरियां सी उन्हां भी असी बनाने मदद की। उस तो बाद जब हड़ आया सीगा पिछे पंजाब विच तां भी असी सब तो अगे सीगे, फिर उस तो बाद केरला च फ्लड आया 4-5 साल पहला, उत्थे भी साड़ी टीमां इत्थों गईयां सीगियां, उदों भी 60-70 लोग साडे गए सी, उसी जाके असी उन्हां दे मोटर पंप सारे खराब हो गए सीगे वो ठीक किए, दोबारा रिपेयर कीतियां, जो घर गिर गए सी उन्होंने बनाया और राशन का तो प्रबंध किया। बहुत सानू धन्यवाद करते हैं जिस तरह लोग याद करते हैं केरला वाले कि किस तरह सिख आए से इतने पंजाब के सेवा की। सो ये साड़ा किसी ते कोई एहसान नहीं है, ये साड़ा फर्ज बनता है। सानू जो दिशा दिती है महापुरशां ने कि असी लोक भलाई वास्ते ही असी इस संस्था खड़ी है। जड़ा ये हड़ दा इस साल समा आया, प्रकोप आया है, अज असी इत्थे बड़ू साहिब बैठे हुए हैं, इत्थे अजे भी हिमाचल लगातार बारिश हो रही है। कल दोपहर तो बाद हुण सुनने च आया है कि शिमले भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। सो असी इत्थे भी चीफ मिनिस्टर नूं भी DC नूं भी चिट्ठियां पातियां हन कि साडी सेवावां हाजिर हन। तो हुण ये जो पानी इत्थे बरस रहा है, ये लाजमी है कि जिहड़ी ये वाली बेल्ट है ये सारा पानी घग्गर जाता हैगा। सो जिथे पहला हड़ आया जिस बेल्ट विच मोहाली पटियाला सुनाम सारा, उत्थे भी दोबारा पानी आन दा बहुत चांस है। सो ये असी तैयार पर तैयार खड़े हैं, दोबारा साढ़े कमर कस्सा कर लिया साढ़े सेवादारा ने, साढ़े मुलाजमान ने। तकरीबन हुण 1.5 महीना हो गया साड़ी सारी कंस्ट्रक्शन रुकी पई है, क्योंकि ये प्रायोरिटी है साढ़े वास्ते, पंजाब के वीरानों, हरियाणा के वीरानों, हिमाचल के वीरों वास्ते भी कि असी इन्हों असी संभालीए।